नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बाल दिवस की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की गई थी ये आयोजन और जिला सिरसा में प्रदेश भर में मिला द्वितीय स्थान। सिरसा के 38,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी और ऑनलाइन प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित होने के बाद किया जाएगा विजेताओं को सम्मानित। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अधिकतर बच्चों ने भाग लेने में जिला सिरसा प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। 38,169 बच्चों ने इस प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के जिला सिरसा को प्रदेश भर में अग्रणी स्थान दिलवाया। इन ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों ने कुल 23 प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आप देखें पल पल की खास रिपोर्ट। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ द्वारा प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 के कारण इस वर्ष 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बाल दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन 23 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्यतः एकल नृत्य क्लासिक, एकल नृत्य फिल्मी, फैंसी ड्रेस, श्रेष्ठ ड्रामाबाज, क्ले मॉडलिंग, दिया, मोमबत्ती, स्केच पेस्टिंग, पोस्टर मेकिंग, निबंध, एकल गीत, फोटोग्राफी, पेंटिंग, बेबी हेल्थ शो, पोस्टर मेकिंग, कलर सजावट इत्यादि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भाग लेने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा के 22 जिलों में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उस आधार पर सिरसा जिले का नंबर 2 स्थान रहा। और अब जब प्रतियोगिता डिटेल में रिजल्ट आएंगे, उसके बाद हम बाल प्रतियोगिता दिवस भी आयोजन किया जाएगा। झज्जर जिला प्रथम रहा, जहां पर 43,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सिरसा जिले में 38,169 बच्चों ने भाग लिया।